शिक्षकों की मेंटर की भूमिका खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होगी, कहा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे ने। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनके अतिरिक्त उनके प्रशिक्षकों की भी होती है। अब सरकार खरीदेगी किसानों की पराली, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। खरीदी गई पराली से एथेनॉल और बायोगैस बनाई जाएगी। विवाह समारोह में विशेष सावधानी बरतने की अपील आयुष विभाग द्वारा की गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तेजी से फैलता है संक्रमण, लिहाजा ऐसी जगहों में जाने से हम कैसे बच सकते हैं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राजधानी का औचक निरीक्षण, कलेक्ट्रेट परिसर में बिताया आधा घंटा और ली जानकारी, साथ ही लोक सेवा केंद्रों से आवेदकों को स्वयं किया फोन। प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य स्तरीय संचालक समिति, मॉनिटरिंग का कार्य व्यापक पैमाने पर प्रारंभ कर दिया गया है, जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शनिवार और रविवार को आए भूकंप को लेकर गंभीर है मध्य प्रदेश सरकार, आज मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने सावधानी और जागरूकता के प्रयासों की जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं स्वर्गीय विनोद डागा के बैतूल स्थित निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने विनोद डागा को प्रेरणा स्तंभ बताया। बैंड पार्टी ने सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन, कहा कि कोरोना के चलते बैंड बजाने की अनुमति नहीं है, जबकि सभी कार्यालय बाजार खुल गए हैं, शादी विवाह भी प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। मधुपुरी क्रिकेट प्रतियोगिता में पिंडरे स्पोर्ट्स को आजाद टिकरिया ने मात दी, आनंद भारती की शानदार अर्धशतकी पारी और चार विकेट लेने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भाजपा नगर मंडल की कार्यकारिणी हुई घोषित, प्रमोद चौरसिया सहित 6 उपाध्यक्ष एवं सुदीप तथा आकाश को बनाया गया है महामंत्री, 23 लोगों की बनी कार्यकारिणी।